इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा, हद से पार हो गया। दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, तू कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले। There's a story, there's dance, and there's double role happening in the video. Exactly. Cheese balls और वो सब खा रही, fried. And I offered him, मैंने एक पूरी प्लेट भर के खाया एंड इसने सिर्फ आधा खाया, मतलब एक का आधा। थोड़ा बेटर टर्म दे दो, फिटनेस है। पोस्ट करते हुए उनकी, उन्होंने मेरी फोटो देखी है, तुलसी की भी वैसी ही फोटो थी, so they started combining both the photo together. जो मुझे दीवाना कर दे, मुझे ऐसा नशा करा दे, जब तक मैं सच ना बोलूं, मुझे तब तक तू दिला दे। कुछ लोग होते हैं जिनके गाने ना बड़े स्वीट स्वीट से होते हैं, दिल गार्डन गार्डन कर देते हैं, लेकिन आज जो मेरे गेस्ट है ना, उनमें से एक गेस्ट जब गाना गाती है तो एकदम आप ना उनके दीवाने ही हो जाते हो। और जो दूसरे मेरे गेस्ट है वो एकदम हैंडसम हंक है जो मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। वेल यू गेस इट राइट, मेरे साथ है आप तुलसी कुमार एंड रोहित खंडेलवाल। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज तक, कैसे हो आप लोग? थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। बहुत डिफरेंट था। थैंक यू सो मच। वेल सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 9 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं आज, मतलब 30 ट्रेंडिंग में चल रहा है, ऐसा मतलब क्या जादू चलाया है आप दोनों ने, मुझे पहले ये बताओ। आई थिंक तुलसी ने चलाया है सबसे ज्यादा, बिकॉज़ तुलसी इज डन नॉट जस्ट डांस सिंगिंग बट शी इज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉन्ग एंड बोथ ऑफ अस एक्चुअली Both of us, हमने रिहर्सल से लेकर, शूट से लेकर, अब while we are talking about the song to you and we're promoting the song, I think we both have come together in this song's journey and we have with us the director of a song जिन्होंने ये choreograph भी किया है, गणेश हेगड़े, and it's my first dance music video, I can call it my फर्स्ट डांस म्यूजिक वीडियो तो बोल सकती हूँ, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा डांस के चंक्स हैं एंड आई थिंक दैट फॉर मी वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस सॉन्ग। ऑफ कोर्स कोरियोग्राफी डांस तो सीखा ही, इसके अलावा इमोटिंग, बिकॉज मैंने यूजली थोड़े सैड रोमांटिक या रोमांटिक गाने किए हैं, दिस हैज अ लिटिल बिट ऑफ फन एलिमेंट इन इन द कैरेक्टर, so I think मैंने वहाँ पर बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं that can help me with the camera later on. Wow, that's amazing. लेकिन जो मुझे दीवाना कर दे, आपने बोला कि आपने first time इस पे dance मार्स इतना किया है, तुलसी सिर्फ डांस ही नहीं, आपने डबल रोल भी प्ले करा है। मतलब यूजुअली फिल्मों में होता है कि ऐसे डबल रोल हो रहे हैं, यहाँ तो आपने मतलब गाना निकाला, गाने में सीधा मतलब डांस तो करा, डबल रोल भी कर दिया, मतलब सब कुछ है इस गाने में एक्चुअली, सब कुछ कर दूंगी। नहीं, देयर इज अ दैट वाज द कांसेप्ट एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी कांसेप्ट सुन के, बिकॉज यू नो हमने मूवीज में देखे है डबल रोल, ट्रिपल रोल, पर म्यूजिक वीडियो में आज तक मैंने नहीं देखा है। नहीं होता, नहीं। इन द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव नॉट सीन अ डबल रोल हैपनिंग इन म्यूजिक वीडियो, सो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा था एज इट केम टू मी एंड आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे भी देखना था यार डबल रोल में क्या, बट बहुत मेहनत लगती है, इवन इफ इन 3 फ्रेम्स बोथ द गर्ल्स नीड टू बी टुगेदर, दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी, बिकॉज मुझे सिर्फ 10 मिनट दिए जाते थे टू चेंज द कम्प्लीट लुक, सो दैट वॉज उसके लिए प्री डिस्कशन बहुत हुई थी एंड आई वॉज लाइक वाओ यार ये लोग मूवीज कैसे करते हैं इतनी बड़ी बड़ी विद दिस डबल रोल, बिकॉज इट्स अ टास्क टू यू नो मेंटेन द लाइट एंड टू डू इट एंड देन वी शॉट द म्यूजिक वीडियो विद इन अ स्पैन ऑफ 2 days, so that's very less amount of time for so much, there's a story, there's dance and there's double role happening in the video. I was telling you that main the other mere shoot ka backup ho gaya tha and I was seeing Tulsi waiting to become another Tulsi and and there was another step completely started waiting for the other part, you know?
So I think they've extended the number of hours. So and then they've shot it. So it was like very cut to cut and back to back. Yeah, wow. 2 days I think is less time to shoot a video like this. We should have had more number of days, but we tried our best to pull it off. मतलब दो दिन में ही इतना धमाका मचा दिया, 9 million क्रॉस कर गए, ट्रेंडिंग में आ गए, और लंबा दिन होता तो पता नहीं कितना ही आप उसमें, फिर तो तुलसी के जैसे 3-4 रोल एक ही उसमें देखने को मिल जाते हैं। ऑडियंस बहुत कंफ्यूज हो जाती जाती नहीं, आई थिंक अभी डबल तक इट्स गुड। आप एकदम अलग गाने गाती हो, अलग ही दुनिया में रहती हो, रोहित आप एकदम मिस्टर इंडिया रह चुके हो, 2015 रह चुके हो, देन फर्स्ट एवर एशियन थे टू बी क्राउन्ड मिस्टर वर्ल्ड 2016 में, ये मतलब दो अलग अलग जॉनर की जोड़ी मिली कैसे इस गाने में? आई थिंक कैसे मिली? दूसरे टीम मेंबर्स ने ढूंढी है, दूसरी टीम बहुत बड़ी है। तो वन ऑफ आवर डिजिटल आई थिंक उन्होंने देखा है, ऐसे एक पोस्ट करते हुए उनकी उन्होंने मेरी फोटो देखी है, तुलसी की भी वैसी ही फोटो थी, सो दे स्टार्टेड कंबाइनिंग बोथ द फोटो टुगेदर एंड दे स्टार्टेड सीइंग के जोड़ी मैच हो रही थी। आई थिंक रोहित का एक डांस वीडियो मैंने देखा था एंड दैट वाज अ क्राइटेरिया दैट हूएवर कम्स ऑन बोर्ड फॉर दिस म्यूजिक वीडियो शुड नो हाउ टू डांस, लाइक मतलब ट्रेनिंग के साथ जो डांस कर सके। So yeah, Rohit ka maine dance cover dekha tha already and we thought, I think this one, boyfriend version. Yeah, wow. Mujhe dekha tha ek dance cover. Instagram pe dance cover done. I never knew this. मतलब ये सही है, लेकिन तुलसी जैसे कि आपने पहले भी बताया कि आप मतलब यू ऐसे बहुत sad कई बार गाने गाते हो, फिर एकदम आप लवी डवी गाने पे आ जाते हो, अभी ये वाला गाना एकदम मतलब एकदम चेरिश्ड है, आप अपने प्यार को मनाना चाह रहे हो, लेकिन तुलसी को सबसे ज्यादा किस जॉनर का गाना गाना पसंद है? Sad romantic is my space, I feel that. It just comes very naturally. Even emoting in sad expressions are much better. Kyunki ye gaane mein to sab fun aur funny, I had to look like very spunky and you know, very funny. I had to look funny in my expressions some places. Yeah. Like I had to go loud. And I am very subtle when it comes to emoting myself. So wo sad or romantic space mein phir bhi chal jata hai. Here I had to work on those skills. And I think that side of me, we rehearsed a couple of times in the rehearsals. Totally went out of her comfort zone and did this. तो मैंने इतना ऑब्जर्व किया है जब रिहर्सल्स होता था एंड इवन शूट डे पे, सो गणेश सर हैज मेड तुलसी डू वन सीन मल्टीपल टाइम्स टू प्रैक्टिस एंड शी वेरी पेशेंटली जस्ट फॉलोड सर नंबर ऑफ टाइम्स जस्ट ओपन टू लर्निंग व्हिच वाज फैंटास्टिक। वाओ वाओ मतलब अमेजिंग तुलसी, सच में हैट्स ऑफ, मतलब डबल रोल करना, इतना शानदार गाना सब कुछ करना, बट अगर मैं आपसे ये ना कहूं कि तुलसी एक लाइन गा दो गाने की, तो फिर आपके फैंस मुझे इतना डांटेंगे ना कमेंट सेक्शन में कि बस मुझे ही पता है। No, I'll have a few lines. Rohit, you wanna dance? अरे मतलब आप ये just do it like this. इसे तो कर सकते हैं। Bye, okay. The hook, हाँ? Step. Okay. Sir. जो मुझे दीवाना कर दे, मुझे ऐसा नशा करा दे, जब तक मैं सच ना बोलूं, मुझे तब तक तू दिला दे, जो मुझे दीवाना कर दे, मुझे ऐसा नशा करा दे, जब तक मैं सच ना बोलूं, मुझे तब तक तू दिला दे। चलो मेरी रिहर्सल हो गई, गाना और लास्ट एक साथ मतलब अमेजिंग। यू शुड बी से थैंकफुल टू मी कि मैंने आपको ये चीज भी करा दी, तो उसने के अलग एकदम मार्क में आ जाएगा। आपके लिए ना एक सवाल बड़ा कॉमन आया था कि लड़कों को फिटनेस टिप्स बता दो यार, मतलब कैसे रोहित से कल हॉट रह सकते हो। रोहित कल से इसका थोड़ा सा आंसर मेरे को देना है पहले, बिफोर ही स्टार्ट, ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। तो कल मैं इंटरव्यूज हम लोग कर रहे थे, कल तो गाने का लॉन्च इवेंट भी था, तो मैं वहां बैठ के पूरे वो चीज और चीज बॉल्स और वो सब खा रही, फ्राइड, एंड आई ऑफर्ड हिम
मैंने एक पूरी प्लेट भर के खाया एंड इसने सिर्फ आधा खाया, मतलब एक का आधा, और आई हैड द होल प्लेट. सो एक फिटनेस टिप तो वही, लाइक कॉन्शियस अबाउट व्हाट ही ईट्स. बाकी आप बता दो. कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू ईट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक. पोर्शन कंट्रोल, जैसे मैंने आधा खाया एंड आई थिंक बिगेस्ट फिटनेस टिप दैट मैं सबको देना चाहता हूँ, डोंट स्टार्व योरसेल्फ डेफिनेटली, बट डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच यू लव डूइंग. It could be dance for someone, it could be running, it could be cycling. This is a gym dance for me. But just be physically active. मतलब तुलसी, अब हम कह सकते हैं कि रोहित जो है एक्टर टर्न्ड इनटू जिम वाले भैया जो हमें बता रहे हैं कि आपको थोड़ा बेटर टर्म दे दो, फिटनेस है. फिटनेस एंथुसियास्ट. लेकिन तुलसी यार, फिटनेस के मामले में आप भी इतने, मतलब इतने सही हो, टच वुड, आपके क्या राज? मुझे कल पता चला, यू नो, हमारे जो मनन भाई थे, मनन भाई कह रहे थे कि बीच में कुछ शूट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद रात हो गई और तुलसी फिर रनिंग के लिए जा रही है. सो तुलसी इज छुपा रुस्तम. Not super Rustam, I have to lose weight because मेरा क्या है, सीधा पेस पे आ जाता है. So I have to go running. तो लॉकडाउन में एक चीज दैट आई हैव रियली फॉलोड इज आई गो रनिंग एंड आई डू सम काइंड ऑफ वर्कआउट, जैसे रोहित ने बोला. और जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं कर रही होती, इफ आई एम ट्रैवलिंग और वेरेवर आई एम, आई ट्राई एंड टेक द स्टेयर्स और आई ट्राई एंड डू समथिंग दैट यू नो मेरा वर्कआउट किसी तरीके से कैलोरीज बर्न हो जाए. बट या आई ऑल्सो हिट द जिम, नॉट वेरी रेगुलरली, बट या रखे हुए उनके हॉल में. सो आई कैन सी दैट हॉल के अंदर इक्विपमेंट्स रेडी रखे हुए जिम के, मतलब नहीं. लेकिन मैं ना आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि शूट पे जो मस्ती होती है, फन होता है, और तुलसी एक सीन होता है गाने के बीच में जब आप कुछ फेंक के मारते हो, सामने बंदा पानी के अंदर गिर जाता है, ऐसी मस्ती सेट पे कितनी हुई है? यू नो मस्ती एक्चुअली सेट पे हम दोनों तो मूड में थे कि कुछ करेंगे, कुछ फन करेंगे, कुछ. मेरा मन था कि किसी पे तो मैं प्रैंक पुल करूंगी, पर एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला, दो दिन का शूट था, बहुत एक्सटेंसिव शूट था ये, एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स थे, और प्लस जो डबल रोल किया है ना, उसमें तो देयर वाज नो स्कोप एंड टाइम टू वेस्ट एनी टाइम. सो वी कुडंट एंड वी वर बीइंग डायरेक्टेड बाय द हार्ड टास्क मास्टर, द परफेक्शनिस्ट गणेश हेगड़े सर. सो आई थिंक उनके से हम थोड़ा strict during the shoot, so we were behaving like good artists on shoot. Yes, though we had a lot of fun time during rehearsals, I guess. Yeah. During the shoot, हमने एक reel बनाई है जो शायद बहुत जल्दी share भी करेंगे. तो जिसमें तुलसी sitting behind me, हम फिर bike ride पे गए, bullet ride पे. Between the shots, I think that was only. That was fun. Because most of the time, I don't remember Tulsi was either shooting or she was changing. I was throughout my week. Yeah. So that's why I think we hardly could get time. Wow, that's so amazing. मतलब ये तो बहुत सही है. इतना आप लोगों ने मस्ती वस्ती के सब कुछ करी. एक लास्ट सवाल अगर मैं जानूं कि आप जब आपको पता चला कि रोहित विल टेल हिज एक्सपीरियंस, बट फॉर मी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि मैं जिनके भी साथ काम कर रही हूँ, वी शुड शेयर अ गुड रैपो, बिकॉज ऑब्वियसली आप पहली बार मिलते हो go artist say just before the shoot. So for me it was very important, but he made it easy because the day I met him, he was very relaxed and chill. You know, kai baar people have this whole aura around themselves that they seem to be unapproachable or you know something, but I think Rohit was extremely sweet. He was very very keen towards learning even the dance. He was very dedicated during the rehearsals.
So yeah, I thought he's perfect fit for this song. The first day rehearsal mein meko vibe, you know, you connect with vibes. So I got that vibe that you know, he's really wanting to do this video with his full heart and soul. क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है एंड शी इज बीन अ शी इज अ वेरी फेमस सिंगर तो था डेफिनेटली मुझे लग सकता है कि शी वुड बी अनअप्रोचेबल एंड शी वुड बी लाइक मैं बस ये होता है कि ये सीन थोड़ा सा सीन करना है वो निकलना है पर तुलसी वाज वेरी ओपन फॉर लर्निंग जो बहुत अच्छी चीज थी तो जितना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं सो आई थिंक शी वाज पुटिंग द सेम टाइम आउट मोर सो व्हिच वाज नाइस एंड आई थिंक हम दोनों में आती थी ये वीडियो तो बहुत इजी चीज हो गई ये बहुत सिंपल टू वर्क विद अप्रोचेबल एंड ऐसा कुछ टैग नहीं था दैट शी इज अ सिंगर मिस इंडिया मिस द वर्ल्ड आई थिंक सो वी वर कैरिंग दैट वी वर नॉट कैरिंग दैट बट यस मुझे इनिशियली लग रहा था कि यार शी माइट बी बिकॉज़ थोड़ा होता है बट नहीं लगता मुझे जल्दी होता है ना थोड़ा बहुत यूथ या हद से ज्यादा हद से पार हो गया दिन तेरे चाहतों में गुजरने लगे तू कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले पहलू में हर दम बैठे रहे डूबे रहे तेरे आंखों में इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया हद से ज्यादा हद से पार हो गया थैंक यू सो मच अमेजिंग फैंटास्टिक मुझे इतना दुख हो रहा है ना इस समय की जूम कॉल क्यों है ये आप मेरे सामने क्यों नहीं हो कि मैं लाइव ऐसे मतलब आंखों के सामने बैठ के सुन पाती कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई विश ये दोनों की सुपर हिट जोड़ी एक बार फिर से नजर आए और कुछ नया धमाल हमें देखने को मिले थैंक यू सो मच तुलसी थैंक यू रोहित बाय बाय